External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has sent out a stern message. He's gone on to say that one day we will remove the illegal occupation of Pakistan-occupied Kashmir and it will be back with India. This is only a reiteration of the External Affairs Minister. PPOK, jo hai, Bharat ka ang hai. It is part of India. It was always part of India. It will be part of India. Aur hamara ye zarur irada hai. कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। हम तो कश्मीर एक जन्नत है, कश्मीर ये है, कश्मीर एक वादी है, कश्मीर वो है। और भाई कश्मीर वादी है, पहला लोगों को रोटी दे दो। जब तक लोगों के पेट में रोटी नहीं जाएगी आपकी वादियों को कौन पहचानेगा, कौन समझेगा कि ये वादियाँ हैं और ये चीज़ें हैं। मैं तो इन चीज़ों को समझने को वो कासिर हूँ। कल तक जो कश्मीर में गूंजते थे आजादी के नारे, आज पीओके में वही आवाज सुनाई देती है। खूब लहराया तुमने लाल चौक पे अपना परचम, आज मुजफ्फराबाद में तिरंगे की हुंकार सुनाई देती है। लेकिन सच बोल देना चाहिए। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है। जी बिल्कुल कहता है ना। आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, आपने इनको वारे किया तो आपको याशियां करने के लिए, अपने इख्तदार को बचाने के लिए पैसे मौजूद है। कहा कि हमारे घरों में कोई घुसा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा, क्योंकि घरों में घुसने का सिलसिला आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो है वो खबरें किस तरीके से चलती रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐथे नहीं आया हो सकता पाए ऐ पाइन तुसी ऐथे आए थे ऐ फिर तुसी ना सोचना कि कश्मीर में आप दाखिल होके जो है आप ये करेंगे। हम समझते क्या यार अपने लोगों को, कि हम अपने लोगों को दबा लेंगे, जिसका दिल किया वो जाके तो वो बंदे को मारेंगे, चांटे मारेंगे, जेलों में डालेंगे, पुलिस भेजेंगे और कोई खबरदार प्रोटेस्ट नहीं करना, अंदर बैठ के हमारी बात सुनो। और मुजाकरात आप कैसे करेंगे जब तक स्ट्रक्चरल तब्दीली नहीं आएगी। जय हिंद दोस्तों, अभी तक पीओके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें भारतीय गवर्नमेंट का कोई भी बयान नहीं आया था। लेकिन दोस्तों आज ही अभी 4-5 घंटे पहले हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब कहीं पर बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई पीओके में ऐसी ऐसी सिचुएशन है, भारत का झंडा लहराया जा रहा है और विद्रोह हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो भारत में मिलना चाहते हैं, तो इस पे भारत सरकार का क्या रुख है। तो दोस्तों इसमें जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा कि भारत सरकार पीओके को इलीगल ऑक्यूपेशन से ज़रूर आज़ाद कराएगी। ठीक है, पहली बार ये प्रोटेस्ट के बाद जयशंकर साहब बोले हैं और ये स्टेटमेंट जब पाकिस्तान में गए तो पाकिस्तान ये बार बार अब इंटरनेशनल मीडिया में प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है कि ये तो यहाँ पे भारत इन्वॉल्व है जो प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि दुनिया को पता है कौन इन्वॉल्व है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपना तो पेट भर नहीं पा रहा, ये पीओके का क्या पेट भरे। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो गरीबी है, सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो भूखे लोग हैं वो पीओके के लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मिनरल्स, सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन ये सब पीओके से होता है। तो आप समझ ही सकते हैं पीओके को ये नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए पीओके के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो बोला था तब से मामला तो उन्होंने अपनी मर्जी के कर लिए। लोकल कश्मीरी जो हैं वो देख रहे थे कि अच्छा मतलब ये हो सकता है, इन एंगल पे हमें सोचना चाहिए, और वो एंगल ये है कि आप थोड़ा बहुत हिलजुल करें ताकि पाकिस्तान की हुकूमत को डराएं। मैं ये नहीं कह रहा कि राजनाथ सिंह कुछ कर रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तानी नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं कश्मीर के अंदर, वो इंडिया से कोई पैसे ले रहे हैं। उनके प्रोटेस्ट बड़े जेन्युइन हैं, लेकिन ऐसा माहौल पैदा कि सिग्नलिंग है, बेसिकली ये सिग्नलिंग है और उस सिग्नलिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं सब प्लेट्स। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं, साढ़े लोग वेले, उन्होंने का पता है कि करना है कि नहीं करना, वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, खबरदार बोलना नहीं, मारेंगे आपको, आपके साथ ये करेंगे, आपके साथ वो करेंगे, थोड़ी ऐसी दी तैसी, हर बंदे को डराते हैं आप। सो ये मतलब ये कब तक ऐसे चलेगा, कब तक आप ऐसे चलाएंगे निज़ाम को जिसमें हम ये कहेंगे अच्छा कश्मीर जो है वो वहाँ पे इंडियन मीडिया उसको दिखा रहा है। भाई इंडियन मीडिया ने पहले थोड़े कश्मीर को दिखाया, इंडियन मीडिया तो कश्मीर की अच्छी तस्वीर नहीं दिखाएगा जिस तरह हम मकबूजा कश्मीर की अच्छी तस्वीर नहीं दिखाते। तो मैं इसमें इस बात में देखें, ऑब्वियसली मीडिया डज इट वर्क जो वो दिखाना चाहते हैं, ठीक है जी। अब ये जो है ये चीज़ें बड़ी आम है, तो इसमें बजाय इसके कि हमें परेशान होने के कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, भाई साहब एक काम करें और वो ये काम करें कि आप सिद्के दिल से लोगों के साथ डायलॉग करें, इंगेज करें, उनके साथ रास्ते रखें, ठीक है जी। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अगर आपने ये काम ना किया, आपने लोगों को बेवकूफ़ समझा, तो लोग आपको गौर सबक सिखा देंगे
और अगर पुलिस वाले को उन्होंने लिंच कर रहे हैं, पुलिस वाले को मार रहे हैं, आपने सेक्शन 144 इम्पोज की हुई है। जब सेक्शन 144 इम्पोज हो जाए तो टेक्निकली तो किसी को बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। अब मंडे कैसा होगा, ट्यूसडे कैसा होगा, थर्सडे का वेंसडे कैसा होगा, थर्सडे कैसा होगा, अभी तो उन्होंने दो दिन की कॉल दी है। ये जो सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल करेंगे? आप हर एक को तो नहीं कह सकते बुरा है। सो अब पुलिस की गाड़ियां पहले पंजाब में चलती थी, फिर पुलिस की गाड़ियां सिंध में चलती रही हैं, फिर पुलिस की गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा में चलती रही हैं, अब पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो कश्मीर में चल रही हैं। इससे पहले ये गिलगित बल्तिस्तान वाले भी जलाना चाहते हैं, उनको भी हमने बड़ा तंग किया हुआ है, और तंग सिर्फ रिसोर्सेज की जंग है। अब मसला ये है कि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा इनकी आंखें जो हैं वो भरें तो तब ये दूसरों को दें। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं कल एक बलोचिस्तान की सेनेटर से मिला, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा यकीन करके माने, आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम बलोचिस्तान, पीपल इन बलोचिस्तान डू नॉट ट्रस्ट द पीपल ऑफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा एंड सिंध इक्वली। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वन प्रोविंस, ये कुछ सिर्फ पंजाब की बात नहीं हो रही, वो सिंध को भी उतने बुरा समझते हैं, वो अब केपी को भी उतने बुरा समझते हैं, वो कहते हैं किसी को हमारे दिल में कोई एहसास नहीं। ये जो एहसास महरूमी है, आप क्या समझते हैं यार, आपको रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज लोगों को देने पड़ेंगे। आप ये नहीं हो सकता कि आप बगैर रिसोर्सेज के आप ये कहेंगे जी हाँ जी ठीक है, इधर दे उधर दे ये दो, आपको रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। आपने रेंजर्स भेजी है कश्मीर में, आपको पता है कि उससे क्या नुकसान हो सकता है? रेंजर्स बेसिकली क्या है, रेंजर्स फौज है भाई। आप अपने जो 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 मुल्क है उसको देन आप किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? हम सिर्फ ये कह देंगे जी इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा दिखा रहा है तो बस ठीक है, फिर अब हम जो है ना वो थोड़ा सा बस, मतलब ये चीजें गेम बिल्कुल पलट गया। कई पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि ये भारत ने करवाया है, पीओके का जो आईजी है उसने तो खुले तौर पर बोल दिया है कि मुझे पूरा शक है कि इसमें भारत का हाथ है। अब भारत का हाथ हो या पैर, बात यह है कि यह मामला अब शुरू हो गया है और यह ना रुकने वाला मामला है। इनको क्या लग रहा है? आपने कुछ लोगों को नदी नाले में फेंक दिया, कुछ लोगों की हत्या कर दी तो यह मामला रुक जाएगा? नहीं, यह कई सालों तक चलेगा। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, यह तो अभी ट्रेलर था बेटा, यह कई सालों तक चलेगा और यह चलता चला आएगा। तुम्हें क्या लगता है सलाद पर नमक सिर्फ तुम ही डाल सकते हो? नहीं बेटा, नमक हमारे पास भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत कुछ कर रहा है, जो पाकिस्तान ने भारत के साथ करवाया था इतने सालों से वही चीज हो गई है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, जो असल में पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, जिसको पाकिस्तान बड़े फक्र के साथ कहता है ये आजाद कश्मीर है, उधर गेम हो गया दोस्तों, और बहुत बड़ा गेम हो गया। और गेम ऐसा हुआ कि आवामी एक्शन कमेटी नाम का एक ग्रुप है, वो आगे सड़कों पर, हमने पिछले बार भी कवर करा था, लेकिन उसके बाद हमारे कवर करने के बाद यहां पे माहौल बहुत खराब हो गया। आम कश्मीरी वहां का, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ का आम कश्मीरी सड़क पे आ गया। सड़क पे आने के बाद ऐसी पत्थरबाजी हुई उनकी फौज की गाड़ियों पे, उनके रेंजर्स की गाड़ियों पे, एक पुलिस वाले को जान से मार दिया। लोग कह रहे हैं छाती पर मारी गोली उसके डायरेक्टली, ऐसा लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कई और भी लाशें थी लेकिन उसके बारे में मीडिया बता नहीं रहा है। अब दोस्तों आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया, इनको ISPR से पैसे मिलते हैं, जहां से पैसे मिलते हैं वहां पे कोई भौंकता है कोई नहीं भौंकता है, कोई न्यूट्रल वाले हैं वो बेचारे डर के मारे नहीं बोलते। दोस्तों कहीं ना कहीं एक बात हमें माननी पड़ेगी, अगर आप सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जब 2014 से पहले की जो गवर्नमेंट थी वो नाम ही नहीं लेती थी कि पीओके को हमें आजाद करवाना है या भारत में मिलाना, तो आज जो सिचुएशन है पीओके में वो भारत में हुआ करती थी, हालांकि उसके पीछे के रीजन पाकिस्तानी आतंकवादी थे, खुलेआम आतंकवादी आते थे, मुंह पे कपड़ा पहन के भारतीय सेना पे पत्थर मारते थे, पकड़े भी जाते थे, पाकिस्तान से उनके सारे लिंक मिलते थे, ठीक है, भारत में जो कश्मीरी युवा हैं उनको बरगलाते थे, ठीक है, इस्लाम के नाम पे और सब नाम पे, और यही सीन भारत में होता था और भारतीय सैनिकों के हाथ कांग्रेस गवर्नमेंट बांध के रखती थी, ठीक है। अब धारा 370 हटी और फौज को पूरा कंट्रोल दिया गया कि भाई आतंकवादियों को देखते कोई भाईचारा नहीं निभाना, आतंकवादियों से उनको ख़त्म कर दो, ठीक है। अब देखिए कश्मीर में शांति, आप चेक कीजिए शांति का लेवल, और अब सेम सिचुएशन पाकिस्तान में है और लाखों की तादाद में लोग निकले हुए, क्योंकि दोस्तों हमारी गवर्नमेंट बैकिंग भी करती रही है पीओके के लोगों को, बैकिंग इन द सेंस कि उनको मॉरली सपोर्ट करती रही है कि आप लोग गुलाम हैं, हम आपको आज़ाद करवाएंगे, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके जो चीज़ें हैं उनको पाकिस्तान इलीगली हड़प रहा है। अब आप यही सोचिए कि पाकिस्तान की 20% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पीओके से बनती है, लेकिन पीओके को आप लोगों को पता है जो 20% इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें से कितना मिलता है? मात्र और मात्र 25%, यानी 20% में से
अधिकतर हिस्सा 17-18% चला जाता है, बाहर सिर्फ 2-3% उनको मिलता है और पूरे 20-25% मिलता है पीओके के लोगों को। मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो पता चला, ठीक है। इसी तरीके से जो कमाई की दृष्टि से यानी मिनरल्स जो सबसे ज़्यादा निकलते हैं वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलते हैं पाकिस्तान में, और उस मिनरल्स का अगर ये 10 हिस्सा भी लगा देना पीओके में, 10वां हिस्सा भी, तो पीओके काफ़ी ज़्यादा सही हो जाए, एटलीस्ट भूखमरी तो नहीं रहेगी। लेकिन पाकिस्तान के लोग सारे के सारे जो मिनरल्स होते हैं वो पंजाबी मुस्लिम्स जो यही पंजाब है पाकिस्तान का लाहौर उस साइड में इसका अधिकतर उपयोग करते हैं और कराची वराची में, पीओके में नहीं। तो ये इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।